Hey, what's up, legend? Let's start monetary policy. Okay, तो PT 365 का monetary policy वाला topic हम लोग देखने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला topic है inflation, और जिसको हम लोग नहीं करेंगे. नहीं, ऐसा नहीं है. एक्चुअली क्या है ना कि ये बहुत छोटा सा टॉपिक है और एज पर दिस बुक, बट इसकी एक डिटेल्ड एनालिसिस ज़रूरी है, जिसमें हम लोग इन्फ्लेशन के बारे में A to Z देखेंगे. उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो आप लोग के लिए बना दूंगा. ध्यान रखिएगा, इसमें बस थोड़ा बहुत CPI के बारे में दिया गया है, दो तीन वर्ड आपके WPI के बारे में दिए गए हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे जो इसके इनहेरिटेंस वाले पॉइंट हैं वो एक्सप्लेन नहीं किए गए हैं, और इसके लिए मुझे एक डिटेल्ड अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी, जो कि मैं कोशिश करके जल्दी ही ले आऊँगा. तो फिलहाल अभी के लिए मैं ये इन्फ्लेशन वाला टॉपिक छोड़ रहा हूँ, और इस टॉपिक को कम्प्लीट करने के बाद हम दूसरे टॉपिक के ऊपर आएंगे, और इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो जल्दी ही पब्लिश कर दूंगा. सो डोंट वरी अबाउट द इन्फ्लेशन, मैं इसको मैनेज कर दूंगा. ठीक है, फिलहाल विदाउट वेटिंग हम लोग नए टॉपिक पे चलते हैं. दूसरा है इन्फ्लेशन टारगेटिंग. हाँ, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं. इन्फ्लेशन टारगेटिंग मतलब इन्फ्लेशन को टारगेट करना है. कौन करेगा? हम नहीं, RBI करेगी. ठीक है, क्या सिर्फ RBI ही इन्फ्लेशन को टारगेट करती है? नो, RBI के अलावा गवर्नमेंट भी कभी कभी इन्फ्लेशन को टारगेट करने का काम करती है. जब RBI इन्फ्लेशन को टारगेट करने के लिए यूज़ करती है तो उसको हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं, और जब RBI गवर्नमेंट अपनी इन सब चीज़ों को टारगेट करती है तो जिस इंस्ट्रूमेंट जिस टूल्स के जरिए से करती है उसको हम लोग फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं. ठीक है, फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं. फिस्कल पॉलिसी के तहत ये भी थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन को टारगेट करती है, मॉनेटरी पॉलिसी के तहत उनका काम ही है इन्फ्लेशन को टारगेट करना. ठीक है, वही देखते हैं क्या न्यूज़ में है, क्या खास है न्यूज़ में. ध्यान रखिएगा, बोला ये जा रहा है कि जो आपकी हेडलाइन इन्फ्लेशन है. अभी हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होती है, हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होती है, कोर इन्फ्लेशन क्या होती है, ठीक है, गैलोपिंग इन्फ्लेशन क्या होती है, ये सारी चीज़ें मैं उस जो इन्फ्लेशन वाली वीडियो है उसमें एक में ही सब कंप्लीट कर दूंगा, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है. फिलहाल अभी के लिए इतना जान के रखना है कि जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग का जो ऑप्शन RBI के पास है, RBI के डेटा के अनुसार जो आपका इन्फ्लेशन टारगेटिंग होना था, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि 4 ± 2 का हमारे पास टारगेट होता है, और ये पिछले तीन क्वार्टर से ये ब्रीच कर रहा है. मतलब कि जो इंडिया में इन्फ्लेशन है, जो CPI इन्फ्लेशन है, वो कितनी हो रही है, 3 ± 6 जा रही है. अब ये प्रॉब्लम है, तो 6 ± जा रही है, तो अब 6 ± गई है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं. तो अगर 6 ± चली गई है तो होगा क्या, क्या प्रोसेस है, कौन रिस्पॉन्सिबल है, किसको जवाब देना पड़ेगा, किस से जवाब देना पड़ेगा. ठीक है, इन सारी चीज़ों को जानने के लिए हमको पहले पता करना पड़ेगा MPC के बारे में, कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या है. ध्यान रखिएगा, ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी वही कमेटी है जिसके ऊपर जिम्मेदारी दी गई है कि वो देश में इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखे. ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो इन्फ्लेशन ली जाती है वो CPI ली जाती है, ना कि WPI. ये सब चीज़ों को ध्यान में रखिएगा. ठीक है, तो क्या है ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं. मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो एस्टैब्लिशमेंट है वो उर्जित पटेल साहब की कमेटी बनाई गई थी, उनकी रिकमेंडेशन के ऊपर ही बनाया गया था. 2014 में रिकमेंडेशन दी गई थी और मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट 2015 में साइन हो गया था. ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई जाएगी जिसका काम होगा इन्फ्लेशन को टारगेट करना, और साथ ही साथ देश में ग्रोथ को भी प्रमोट करना इसका काम होगा. क्या होगा इसके कंपोजिशन में? इसके कंपोजिशन में 6 मेंबर होंगे, 6 मेंबर में से 3 मेंबर होंगे आपके RBI के, और 3 मेंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करेगी. और जो RBI के 3 मेंबर होंगे, इसमें से जो RBI के गवर्नर होंगे वो इसके चेयरमैन भी होंगे. ध्यान रखिएगा, 3 मेंबर RBI के द्वारा, 3 मेंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा. जो 3 मेंबर RBI के होंगे उसमें RBI के गवर्नर वही इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के हेड भी होंगे. ओके, उसके बाद डिसीजन मेकिंग में हर एक पर्सन, जो 6 लोगों की वोटिंग का प्रोसेस क्या है, हर एक पर्सन की वोट की वैल्यू 1 है, सिंगल वोट की वैल्यू 1 है. जैसे 6 लोग हैं तो 6 तो 1 पर्सन की वोट की वैल्यू 1 है, दूसरे की भी 1 है, तीसरे की भी 1 है, चौथे की भी 1 है, इसी तरीके से 1-1 चल रही है. ध्यान रखिएगा, 5 लोग पहले इंस्टेंस में वोट कर सकते हैं, लेकिन जो RBI के गवर्नर जो कि चेयरमैन है वो फर्स्ट इंस्टेंस में वोट नहीं करेंगे, वो दूसरी बार में वोट करेंगे, या कभी मैच ड्रॉ हो जाएगा तो कास्टिंग वोट करेंगे. ठीक है, बेसिक सी चीज़ है, ये सारी बातें इसमें लिखी हुई है. तीसरी बात है, इसकी जो मीटिंग होती है उसके लिए बेसिक रूल ये है कि 1 साल में, मतलब कि 12 महीनों में 4 बार मिनिमम
4 times मिनिमम, इससे ज़्यादा हो जाए बढ़िया है लेकिन इससे कम नहीं होनी चाहिए, ये इनकी मीटिंग का रूल है। इसका कोरम कितना होगा, कोरम का मतलब मिनिमम कितने मेंबर यहाँ पर होने चाहिए कि मीटिंग की जा सके, ठीक है। जैसा कि लोकसभा का कोरम कितना होता है 10%, उसी तरीके से यहाँ का कोरम कितना है, यहाँ के कोरम के लिए बोला जा रहा है कि इसमें कम से कम 4 मेंबर अवेलेबल होना ज़रूरी है। अगर 4 मेंबर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के नहीं होंगे तो मीटिंग नहीं होगी। ये बेसिक से स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ी बहुत बात है, ठीक है। ये क्या किस तरीके से वर्क करती है, ध्यान रखिएगा, इनको टारगेट दिया गया है कि आप जो है इन्फ्लेशन को 4 ± 2 पे रखिए, मतलब कि 4 में अगर 2 जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा, 4 में अगर 2 घटा देंगे तो 2 हो जाएगा। अगर इसके ऊपर जाती है इन्फ्लेशन तो भी जवाब देना है, इसके नीचे जाती है तो भी जवाब देना है। कब जवाब देना है, अगर यहाँ पे देखिए लाइन क्या लिखा, अगर 3 consecutive quarter में अगर ऐसा होता है तो इनको जवाब देना पड़ेगा। किसको जवाब देना पड़ेगा, MPC को। किसको जवाब, किससे जवाब देना पड़ेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जवाब देना पड़ेगा। MPC किसको जवाब देगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। और जवाब में क्या देगी, भैया ऐसा क्यों हुआ, फेल होने के कारण बताओ। पहला, इसके निपटने के लिए आपके पास क्या ऑप्शन है, रेमेडियल एक्शन क्या है वो बताओ। एस्टिमेटेड टाइम कितना लगेगा इसको मैनेज करने के लिए, जो 3 जवाब सवालों के जवाब MPC कमेटी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देने पड़ते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, इतना जान लेंगे मोर देन सफिशिएंट है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कुछ एक वर्ड लिखे हुए हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिसी स्टेंस क्या होते हैं, मतलब कि किस समय MPC जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो होती है वो अपने जो स्टेप लेती है वो अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से मापे जाते हैं। जैसे उसमें से पहला है एकोमोडेटिव स्टेंस। एकोमोडेटिव स्टेंस का मतलब क्या होता है कि मार्केट में मनी सप्लाई को इंक्रीज करना, मनी सप्लाई को इंक्रीज करना मतलब कि RBI के द्वारा दिया जाने वाला जो बैंकों को लोन है वो थोड़ा सस्ता हो जाए। तो RBI कैसे लोन देती है, इंटरेस्ट रेट लेती है। इंटरेस्ट रेट का मतलब आप लोगों को पता होगा, यहाँ पर मैं रेपो रेट की बात कर रहा हूँ। तो क्या करेगी, वो जो उसके बेंचमार्क रेट है जिसको हम लोग रेपो रेट बोलते हैं उसमें वो कमी कर दे। तो क्या होगा, जब रेपो रेट में कमी होगी तो RBI के द्वारा लोन बैंकों को ज़्यादा मिल जाएगा, जब बैंकों के पास ज़्यादा पैसा आ जाएगा तो बैंक लोगों को ज़्यादा पैसा दे देंगे, बैंक लोगों को ज़्यादा पैसा देंगे तो लोगों के पास ज़्यादा पैसा आएगा, ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, ज़्यादा ग्रोथ होगी, यही सब चलता रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट होगा न्यूट्रल स्टेंस। कुछ ना बोले भैया, सिचुएशन के आधार पर हम स्टेप लें। अगर बहुत ज़्यादा कमी आ गई है, मार्केट में लिक्विडिटी की कमी है तो इंटरेस्ट रेट को कम कर देगी, लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा हो गई है तो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगी ताकि लिक्विडिटी को सकआउट कर लिया जाए। सब कुछ पता है आपको, बहुत ज़्यादा डिफरेंट करने की जरूरत नहीं है। हॉकिश क्या होती है, हॉकिश इंस्टेंस में क्या होता है भैया, बहुत ज़्यादा जब लिक्विडिटी हो जाए तो उसको कम करने के लिए इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया जाता है। और इसी तरीके से कैलिब्रेटेड टाइटनिंग भी होती है, ये भी नियरली इसी तरीके का प्रोसेस है। पढ़ लेंगे आप लोग तो आप लोग को चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ध्यान रखिएगा, इतने फैक्ट आपको पता ही होने चाहिए। और एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसका मतलब ये नहीं है कि मैगजीन पढ़ो तो मैगजीन के हर एक फैक्ट एंड फिगर को आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अब यहाँ देखिए भाई, सेक्शन 45ZA ऑफ RBI, अब ये रटने मत बैठ जाना कि रटने बैठ गए तो पता चला मेन कंटेक्स्ट भूल जाओगे। मेन कंटेक्स्ट के ऊपर ध्यान रखो, इट्स इंपॉर्टेंट, रादर देन कि हर एक इन्फॉर्मेशन को एकदम घड़ा खोल लिया हमें भरने की कोशिश कर रहे हैं, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट इज दैट कि जो बेसिक चीज़ हैं लाइक मॉनेटरी पॉलिसी का स्ट्रक्चर क्या है, वोटिंग सिस्टम क्या होता है, कैसे वर्क करती है, किसको टारगेट करेगी, क्या होगा क्या नहीं, बेसिक मोर देन सफिशिएंट। अब हर चीज़ के अंदर हर चीज़ इन्फॉर्मेशन नहीं रखी जा सकती, प्रेशर कुकर मत बनाओ दिमाग को। इज दैट क्लियर, मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट है प्राइज मॉनिटरिंग सेंटर। प्राइज मॉनिटरिंग सेंटर क्या है, बस ध्यान रखिएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ये सजेस्ट किया है कि उसके पास प्राइस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम जो है क्रिटिकल गुड्स के लिए हर एक डिस्ट्रिक्ट में होने चाहिए। अब देखो क्या होता है, क्रिटिकल गुड्स, यहाँ पे वर्ड क्या यूज़ हुआ है, क्रिटिकल गुड्स। अब क्रिटिकल गुड्स में क्या आ रहा है, ऐसी चीज़ें जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो और जिनकी कभी ना कभी कमी हो जाती है। अब जैसे अनियन है, प्याज साला कौड़ी के भाव मिलती है, जिस हॉस्टल चले जाओगे वहाँ खाने को मिलती है, लो खाओ भरो 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 भरो, लेकिन कभी कभी ऐसी आती है कि 100 रुपये की मिलती है, 100 रुपये किलो, तो वहीं पर मांगो भैया होटल वाले को, भैया ए प्याज दे दो, तो क्या कहता है,
भैया बहुत महंगी है आजकल, खीरे से काम चलाओ। तो प्याज की क्या देता है, खीरा। क्यों हुआ, क्योंकि बहुत महंगी हो गई। तो इसी तरीके से अनियन होगी, और भी दीगर चीज़ें हैं जो कि क्रिटिकल होती हैं हमारे लोगों के लिए। अब वो क्रिटिकल क्रिटिकल रियल में ना हो जाए, तो उसके लिए एक कुछ सेंटर बनाए जा रहे हैं या बने हुए हैं, जिसको प्राइस मॉनिटरिंग सेंटर बोला जाता है। सेंटर ने एक सेंटर का ये इंटेंट है कि 750 मॉनिटरिंग सेंटर हो जाने चाहिए। कब तक, 31 मार्च 2023 तक। देखो क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट बोल तो रही है कि 750 देश में हो जाए, लेकिन उससे ज़्यादा ये सोच रही है कि पूरा हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक हो जाए, तो अच्छी चीज़ है। ठीक है, ये जो पीएमसी है, प्राइस मॉनिटरिंग सेंटर है, इसमें 50% कॉस्ट किसकी लग रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट की, और 50% कॉस्ट लग रही है स्टेट गवर्नमेंट की। ठीक है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट ज़्यादा पैसा लगाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पैसा लगाएगी। अब ये काम क्या करेगा, बस ध्यान रखिएगा कि हर उस क्रिटिकल कमोडिटीज़ के ऊपर ये ध्यान रखेगा, जिससे कहीं ना कहीं आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती है, उनके प्राइस में बहुत फ्लक्चुअलिटी आती है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि यहाँ बहुत सारी है, अब एसेंशियल कमोडिटीज़ याद करने मत बैठ जा रहे हैं कि 22 स्टोरी एसेंशियल कमोडिटी याद करने बैठ जा रहे हैं। कंटेक्स्ट ध्यान में रखो, प्राइस मॉनिटरिंग सेंटर्स जो हैं, इनका मेन पर्पस क्या है, कि जो क्रिटिकल थिंग्स होती हैं, क्रिटिकल गुड्स हैं, उनकी लिक्विडिटी मेंटेन रखे, कमी हो जाए तो उसको पूरा करे, बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसको ईजीएसपे में भेजे, मतलब एक बैलेंस क्रिएट रखे। इसके लिए प्राइस मॉनिटरिंग सिस्टम है, सेंटर है। 31 मार्च 2023 तक सरकार का टारगेट है कि 750 देश में इस्टेब्लिश हो जाने चाहिए। आधा पैसा सरकार लगाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, आधा पैसा स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी। ठीक है, ये तो बात कंट्रोल है, बाकी सारे फैक्ट आप इसमें पढ़ लोगे तो कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है जो कि एक्सप्लेन करने की, इट इज मोर देन सफिशिएंट। हाँ, यहाँ पर बस दो तीन चीज़ें जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रही हैं, जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। जो सबसे पहला आ जाता है कि एक स्कीम है प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड, PSF, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, PSF, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड। और एक है ऑपरेशन ग्रीन, ऑपरेशन ग्रीन मतलब कि जो कुछ इन्हीं के भाई बहन लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा खास नहीं है। PSF के बारे में यहाँ पे मेंशन है, लेकिन ऑपरेशन ग्रीन के बारे में मेंशन नहीं है। तो ऑपरेशन ग्रीन के बारे में मेंशन नहीं है तो हम यही के लिए तो हैं, बता देंगे अभी तुमको, हैं तो लिखो। सबसे पहले PSF क्या है, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड जो है, ये लगभग 2014 या 15 में इस्टेब्लिश किया गया। और इसका मेन पर्पज़ क्या था कि भैया ये जो अनियन हो गया, जब पता प्याज मांगो तो कहता प्याज नहीं, खीरे से काम चलाओ, हैं प्याज टोमाटो फलाना फलाना सब लिखा हुआ है, प्राइस टोमाटो पल्सेस, इनके प्राइस को स्टेबलाइज करना। अगर इनके प्राइस में कुछ वोलेटिलिटी होती है तो एक फंड क्रिएट किया जाएगा, PSF फंड, जो कि 2014 15 में इस्टेब्लिश किया गया था। इनके प्राइस में फ्लक्चुएशन हो रहा है, बस उसको मैनेज करने के लिए इसका यूज़ किया जाएगा, ये PSF फंड है, ध्यान रखना 2014-15 में ये आया है। उसके बाद ऑपरेशन ग्रीन क्या है, ऑपरेशन ग्रीन बस ध्यान में रखना, पहले ये पॉट के लिए था, पोटैटो अनियन एंड टोमाटो, ठीक है, पोटैटो अनियन एंड टोमाटो के लिए था। 2018 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इसके लिए क्या था कि पोटैटो अनियन और टोमाटो का जो प्राइस है ये बड़ा फ्लक्चुएट करता है, धाय करंट की तरह भागता है। अब इसको कंट्रोल करने के लिए एक वैल्यू चेन क्रिएट की जाए, वैल्यू चेन मतलब कि कमी ना आए किसी भी तरीके से, ज़्यादा हो तो कम ना हो, कम हो तो ज़्यादा ना, मतलब वैल्यू चैन इसकी क्रिएट की जाए। पहले सिर्फ 3 के लिए था, लेकिन इसको 2021 के बजट में बढ़ाकर 22 पेरिशेबल कमोडिटीज़ के लिए कर दिया गया। अगेन 22 को रटने की ज़रूरत नहीं है, MSP चिल्लाते रहते तब तो रट नहीं पाते हो, 22 को रटने की ज़रूरत नहीं है, एकदम शांत। तो ऑपरेशन ग्रीन क्या है कि पोटैटो अनियन और टोमाटो की प्राइस में फ्लक्चुएशन को मेंटेन करने के लिए वैल्यू चेन क्रिएट करनी थी, 2018 में स्टैब्लिश की गई थी 2021 के बजट में। अब ये पॉट नहीं है, पोटैटो अनियन टोमाटो 3 कमोडिटीज ना होके बल्कि इसमें 22 पेरिशेबल कमोडिटीज आ गई हैं, बस बहुत है। इसको लागू करने वाली संस्था कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री, ध्यान रखना ये ज़रूरी है। जितना फैक्ट इसमें बताया बस उतना ही ज़रूरी है, ज़्यादा अपना दिमाग मत लगाओ, ठीक है, आगे बढ़ो। हाँ, इसमें 2-3 पॉइंट है जो हम आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं, जो आपको दिखेगा नहीं लेकिन जानना आपके लिए ज़रूरी, होमवर्क है आपका। आपको क्या काम करना है, दो संस्थाएँ FCI और NAFED, इनके बारे में इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओ, वहाँ पर जाके कोई ऊपर वाली वेबसाइट पर मत पढ़ लेना, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओ, अबाउट अस लिखा होगा कहीं पर, ढूंढना उसमें,
नाफेड की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, अबाउट अस वाला कॉलम खोलना, शुरुआत की 3-4 लाइन पढ़ लो, बस बहुत है। इसी तरीके से FCI पे जाना, अबाउट अस में जाना, वहाँ पर 3-4-5 लाइन होंगी, उसको पढ़ लेना, वहाँ से जो फैक्ट मिलेंगे उसको उतार लेना। अब हर चीज़ ज़रूरी नहीं है कि हमें तुम्हें टी स्पून फीडिंग कराएं, फोकस ऑन द कंटेंट। फालतू का बहुत सारा एकदम रहता फैला, उसको करने की जरूरत नहीं कि हर एक ईच एंड एवरी फैक्ट को रटे जा रहे हो। इज दैट क्लियर? मोर देन सफिशियंट। आगे बढ़ो जवानों। नेक्स्ट, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी क्या है भैया? ये जो उर्जित पटेल साहब थे, ये वही है ना जिनके समय पे वो हुआ था डिमोनेटाइजेशन, तो इन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। MPC भी यही लेके आए थे, इन्हीं की रिकमेंडेशन के ऊपर थी, और इन्हीं ने एक चीज़ और बताई थी, SDF। साला कुछ नहीं, खाली बवाल है, खाली तुम लोग को परेशानी दे रहे हैं। एक मॉनेटरी पॉलिसी का टूल हो तो चलो ठीक है, हर दिन तो नया मॉनेटरी पॉलिसी का टूल आ रहा है, कपड़े हो गए लग रहा है, डेली बदलो। ठीक है, क्या है ये, ध्यान से देखियो, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान रखना। मान लो मार्केट में पैसा बहुत है, मान लो है वह कुछ नहीं पैसा, लेकिन मान लो मार्केट में पैसा बहुत है, मतलब कि लिक्विडिटी एकदम अथाह हो रही है, एकदम नट्टी तक भरा हुआ है, एकदम ऊपर तक भरा हुआ सब। अब लिक्विडिटी बहुत है, अब इस लिक्विडिटी को जब RBI ने देखा तो कहा यार ये तो परेशानी है यार, अगर लिक्विडिटी मार्केट में रहेगी तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, तो हम करेंगे क्या? तो इन्फ्लेशन अगर 6 क्रॉस कर गई और कहीं 3 क्वार्टर क्रॉस हो गए तब तो हमको जवाब देना पड़ेगा। तो जवाब देने से बचने के लिए अच्छा है कि लिक्विडिटी को कम करो। तो लिक्विडिटी को कम करने के लिए क्या होता है? अब मॉनेटरी पॉलिसी के कुछ टूल होते हैं, ये तुम लोग को पता होना चाहिए, हैं? मॉनेटरी पॉलिसी के टूल क्या क्या होते हैं याद होगा? रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, CRR, SLR, MSF, फला फला फला, बहुत सारे टूल होते हैं। तो ये जो टूल होते हैं, उन्हीं टूल में से एक नया टूल है, एक नया शगुफा है, जिसको हम लोग SDF बोलते हैं। अब SDF क्या करता है, मार्केट से जो एक्सेस लिक्विडिटी है, बहुत ज़्यादा वाली लिक्विडिटी है, उसको सकआउट कर लेगा। और सबसे ख़ास बात क्या है कि इसके अलावा जितने भी मॉनेटरी पॉलिसी वाले टूल हैं, लाइक चाहे लिक्विडिटी को सकआउट करने के लिए वो रिवर्स रेपो रेट होता है। रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है कि यहाँ पर आपको कॉलेटरल रखना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि खुले में छोड़ देंगे, RBI को कॉलेटरल रखना पड़ता है। लेकिन जो SDF होता है उसमें किसी भी तरह के कॉलेटरल की ज़रूरत नहीं होती, बस यही इंपॉर्टेंट है। मतलब कि बिना कॉलेटरल के भी जो एक्सेस अमाउंट ऑफ मनी मार्केट में बैंकों में अवेलेबल है वो RBI सकआउट करके अपने पास रख लेगा, बस मोर देन सफिशिएंट है। ध्यान रखना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो कि RRR मूवी की बात नहीं कर रहा हूँ, रिवर्स रेपो रेट की बात कर रहा हूँ, और दूसरा कौन सा था भैया, भूल गए, SDF के बारे में, एक दूसरे को डिफरेंट करती है। RRR जो है ये होता है RBI की डिस्क्रिशनरी पे, मतलब जब RBI का मन करेगा तब होगा, और जो SDF होता है वो कहीं ना कहीं बैंक की डिस्क्रिशनरी पर है, मतलब यहाँ पे बैंक राजा है, बैंक का मन होगा तब करेंगे अन्यथा नहीं करेंगे, जाओ घुसो। ठीक है, तो पॉइंट इज दैट कि SDF क्या है, SDF एक नया टूल है जिससे एक्सेस लिक्विडिटी को मार्केट से सकआउट किया जाता है। अब एक्सेस लिक्विडिटी को मार्केट से सकआउट करने का प्रोसेस और क्या है, तो वो मॉनेटरी पॉलिसी के डिफरेंट टूल के जरिए से होती है। जैसे उसमें से एक टूल क्या है, रिवर्स रेपो रेट होता है। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, अब हाँ मत खोल देना कि बता दो, अब इसके लिए अगर वीडियो चाहिए होगी तो बता देना, अलग से फिर बना देंगे वीडियो। फिलहाल तो रिवर्स रेपो रेट के जरिए होता है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी में भी होता है। उसमें क्या होता है रिवर्स रेपो रेट में, ये देखो लिखा हुआ है कि इसमें कॉलेटरल की ज़रूरत होती है, इसमें कॉलेटरल की ज़रूरत नहीं होती, बस यही इंपॉर्टेंट है, हैं? बहुत सही, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे देखो कुछ टर्म लिखे हुए जो आपके लिए जानना ज़रूरी है, जैसे LAF। अब चिल्लाना नहीं कि ये बता नहीं रहे, अगर नहीं देखा तो कल की वीडियो में जाके देख लो, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। मार्केट में कितनी लिक्विडिटी है कैसे पता चलेगा? LAF से। इसके दो मेन टूल होते हैं, कौन कौन से? RRR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, हाँ ये दो टूल होते हैं। अब इसी के आधार पर एक नया और टूल लग रहा है हम लोग को, किसको क्या बोलते हैं, SDF। ठीक है, अब बताओ क्या मार्केट में एक्सेस लिक्विडिटी को कम करने के बस यही टूल है? नहीं, बहुत सारे टूल हैं। देखो लिखा हुआ है TLTRO, ओपन मार्केट ऑपरेशन, मतलब टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, है ना, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब मार्केट खुली है, आओ बेचो, ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन है। दूसरी ये टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन क्या है, पहले तो देखो इसको अलग अलग तोड़ो। रेपो ऑपरेशन,
लॉन्ग टर्म रेपो, रेपो ऑपरेशन होते हैं क्या, रेपो ऑपरेशन होते हैं शॉर्ट पीरियड के लिए, जितने भी मॉनेटरी पॉलिसी के टूल है ये शॉर्ट पीरियड के लिए है ना, शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं। लेकिन अब कुछ रेपो ऑपरेशन है जो कि लॉन्ग टर्म के लिए, ओहो लॉन्ग टर्म वाले रेपो ऑपरेशन, मतलब कि इनके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट होगा, ऐसे बॉन्ड ऐसी सिक्योरिटीज जिनके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट होगा वो तो रेपो की तरीके से लगाया जाएगा, लेकिन जो इनकी ड्यूरेशन होगी वो लॉन्ग टर्म होगी। और लॉन्ग टर्म का मतलब यहां पे क्या है, नियरली 3 साल, नाम मुंह खोल के मत बैठो, ठीक है 3 साल इनकी ड्यूरेशन है। और तो रेपो ऑपरेशन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होते हैं, इनके पास रेपो सिक्योरिटी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, अगर ये लॉन्ग टर्म की हो जाएंगी तो इनको बोलेंगे लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। चलो ठीक है, तो ये एक और बवाल क्या है, TLTRO क्या है, टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। टारगेटेड का मतलब है स्पेसिफिक फील्ड में अगर इस तरीके के LTRO चलाए जा रहे हैं तो उसको हम लोग टारगेटेड बोलते हैं। अब ये स्पेसिफिक फील्ड क्या है, RBI से जाके पूछना, बस ये है कि कुछ स्पेसिफिक फील्ड होती है जिसके ऊपर ये मैकेनिज्म चलाए जाते हैं, उनको लोन वोन दिया जाता है लॉन्ग टर्म के लिए और रेपो रेट के ऊपर ही उनसे इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है ना। तो ये चीज़ें बेसिक चीज़ें आती रहेंगी, बताते रहेंगे, लेकिन ज़्यादा इसके लिए हेक्टिक होने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ो साथियों। हाँ ठीक है, लाओ यहाँ पे भी कुछ देख लें। देखो रिवर्स रेपो रेट हम लोग जान चुके हैं, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी हम लोग जान चुके हैं, रेपो रेट भी हम लोग जान ही चुके होंगे, हैं नहीं जाने, लगभग करते हो। देखो अब ध्यान रखो, अब देखो तुम्हारा भाई तुमको बताने जा रहा है बहुत मजबूत चीज़। देखो ये है RBI, मतलब कि ये है आम जिंदगी। अब देखो क्या होता है, बोरो करती है और कभी लेंड करती है, हैं बोरो करती है कभी लेंड करती है, गलत मत समझना कुछ लोग। बोरो करती है तो ध्यान रखना ये शॉर्ट टर्म के लिए बोरो कर रही है, छोटे समय के लिए बोरो कर रही है। तो जब शॉर्ट टर्म के लिए बोरो करती है मतलब RBI किससे बोरो करेगी, बैंक से बोरो करेगी। तो जब बोरो करने का मतलब क्या है, मार्केट से पैसा अपने पास ले लेना, बोरो करना भिगमंगी नहीं है कि बोरो कर रही है, हाँ मार्केट में लिक्विडिटी ज़्यादा होगी इस वजह से मार्केट से सकआउट करने के लिए बोरो कर रही है। तो इसके लिए दो टूल हैं, जैसे RRR मूवी में ना पहुँच जाओ, गोल्डन ग्लोब पाया, नो ऑस्कर को सब पाया गया है, बहुत तगड़ा है भैया, वी राजा मौली कौन है, कोहली जो भी हो व्हाटएवर, ठीक है। और दूसरा क्या था, SDF स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। और अगर अभी भी नहीं समझ में आया है तो मुहा जहाँ पे देख रहे हो मुंह मान लो एकदम कस के। दूसरी बात, अब लेंड में क्या है, मतलब कि उधार कब देती है, उधार कब देगी, जब कोई उधार लेने आएगा, उधार लेने कौन आएगा, बैंक आएगा। तो जब बैंक लेने आएगा तो भैया कुछ इंटरेस्ट तो लेगी, तो जब इंटरेस्ट उससे लेती है, जैसे मानो कि ये है बैंक, मुँह खोलें ला भैया RBI पैसा दे दो थोड़ा सा, तो RBI ने कहा ठीक है लो ले लो हमसे पैसे ले लो, RBI ने इनको पैसा दिया 100 करोड़ रुपया, तो कहें ठीक है कितना वापस करोगे, कहें 100 करोड़, कहें मुँह कस के मारेंगे 100 करोड़ वापस नहीं करना है, कुछ और भी वापस करना है, इसके बाद इंटरेस्ट भी तो लगाओ, यहाँ कितना इंटरेस्ट चाहिए, तो RBI ने कहा 6% हमको इंटरेस्ट दे दो। तो जो 6% इंटरेस्ट मांग रही, तो 6% के हिसाब से आप कितना देना पड़ेगा, 106 करोड़ देना पड़ेगा, अब अलग बाहर आ जाएगा इनका। तो जो 6% लगा है इसको हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट, और इसी इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं, रेपो रेट। तो इसको क्या बोलते हैं, रेपो रेट। अगर डिटेल समझना हो तो आराम से कमेंट बोलना, उस पर बनाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद रेपो रेट में क्या हो रहा है कि जब RBI से, ध्यान से देना बहुत तगड़ी धांसू बात है, एकदम सावधानी हटेगी दुर्घटना कट जाएगी। RBI से बैंक ने जब 100 करोड़ रुपया उधार लिया, तो RBI इतनी अच्छी तो है नहीं कि तुमने कहा है पैसा दे दो हम दे देंगे, हम मांग रहे हमको कोई नहीं देता। तो RBI कहता ठीक है हम तुमको 100 करोड़ दे रहे, लेकिन वापसी में क्या रखो, हमको हमारे पास कुछ सिक्योरिटी तो रखाओ। तो क्या होता है, यहाँ पर RBI बैंक को कॉलेट्रल रखना पड़ता है। तो जब कॉलेट्रल रख के बैंक RBI से कुछ उधार मांगते हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेपो रेट। और जो इंटरेस्ट रेट RBI से चार्ज करती है उसको रेपो रेट बोल देते हैं। लेकिन ध्यान रखो यहाँ पे क्या है, ये रखना पड़ रहा है ना। लेकिन अब मान लो कोई ऐसी समय आ जाए, अब कोई ऐसा समय आ जाए कि इनके पास कॉलेट्रल ख़त्म हो गया, कॉलेट्रल बचा ही नहीं, इनके पास सिक्योरिटी बची ही नहीं, लेकिन इनको उधार एकदम भिगमंगे हो गए, लेकिन बैंक जो है, देखो भैया जैसे बैंक है, बैंक को RBI से उधार लेना है, अब क्या करेंगे, RBI इनको उधार देगी लेकिन इनको क्या देना पड़ेगा, कॉलेट्रल, ठीक है कॉलेट्रल देना पड़ेगा। अब बैंक कह रहे भैया हमारे पास कॉलेट्रल तो है नहीं, सिक्योरिटी तो हम सब तुमको दे दिए, सब उधार में चली गई, अब
अब बताओ कैसे दोगे। तो आरबीआई कहेगी ठीक है घबराओ नहीं, हम लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट हैं, तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो बैंक आरबीआई बैंक से कहेगी ऐसा है कि तुम्हारे पास जरा वो एसएलआर में भी तो कुछ सिक्योरिटी रखी हुई है एसएलआर में हा? कि अरे बबुआ तुमको तो बहुत कुछ पता है। तो आरबीआई कहेगा बेटा तुम्हारे अब्बा हैं हम। तो आरबीआई कहेगी ठीक है तुम्हारे पास नॉर्मल सिक्योरिटीज खत्म हो गई हैं ठीक है, लेकिन तुम्हारे पास एसएलआर में भी तो कुछ सिक्योरिटी रखी है, अब एक काम करो तुम हमसे उधार ले लो लेकिन एसएलआर वाली सिक्योरिटी हमको दे दो, है ना, कितनी ले लो एसएलआर वाली सिक्योरिटी हमसे दे दो, लेकिन ध्यान रखना अब जितना मुंह खोलोगे उतना नहीं देंगे, तुम्हारा नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज का जितना भी होगा खाली उसका 2% तुमको दिया जाएगा, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना। हाँ तो नॉर्मल सिचुएशन में जब आरबीआई से बैंक उधार लेते हैं तो कॉलेटरल लग के आरबीआई को उधार दे देगी, लेकिन मान लो कॉलेटरल हो गया खत्म तब क्या करना पड़ेगा, तो आरबीआई क्या करती है बैंकों से बोलती है कि तुम्हारे पास एसएलआर रखा ना उस एसएलआर की सिक्योरिटी को प्लेज कर दो और हमसे थोड़ा सा उधार ले लो, लेकिन अब की बार जो तुम उधार देंगे वो तुम्हारे एनडीटीएल का 2% से ज़्यादा नहीं दूंगा, अगर मांगोगे तुम्हें हॉक देंगे हम रख के हैं, तो ज़्यादा मत मांगो, पहले गलती कर रहे हो उसके बाद पैसा मांग रहे हो, पैसा दे रहे हो तभी चल रहा मेरे पास बदतमीज, चलो ठीक है ठीक है। तो एसएलआर सॉरी एसएलआर नहीं रेपो रेट और एमएसएफ में भाईचारा है, रिवर्स रेपो रेट और स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी में भी भाईचारा है। आई होप समझ में आएगा, और नहीं समझ में आएगा तो पता नहीं क्या करें, अब ये पता नहीं क्या बकवास चीज लिखी हुई है तो उसको तो हम ही को नहीं समझ में आया, तुम्हें क्या समझाएं, ऐसे मजाक कर रहा हूँ, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर श्रद्धा होगी तो अपने अनुसार थोड़ा सा इस पर देख सकते हो, लेकिन इस पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अब आओ मैदान में जो पिक्चर अब स्टार्ट होने जा रही है, नए नए धमाकेदार कॉन्सेप्ट है, इसको पढ़ लेना, मतलब ये नहीं कह रहा हूँ नहीं पढ़ना, नहीं समझ में आएगा तो बता देना, लेकिन इतना इसमें ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, रेगुलेशन रिव्यू अथॉरिटी क्या है फालतू बकवास। आगे बढ़ते हैं, अब मुद्दे पे आओ, आइए ज़रा काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर ये क्या होता है। देखो इसमें बहुत बोल बच्चन लिखा हुआ है, हम उस पर नहीं जाना चाहेंगे, बस हम जो बता रहे हैं बस उतना ध्यान रखो, ज़्यादा परेशान मत हो, देखो उसके बाद पढ़ोगे सब समझ में आ जाएगा। ये पता है क्या है, ये क्या है, अरे टी ली, ये टी है, टी को ऊपर टेढ़ा रख दिया है ना, टी टेढ़ा वेढ़ा नहीं रखा गया, सुनो ये क्या है, ये जो बिजनेस साइकिल होती है, अभी ना बोला बिजनेस साइकिल क्या होती है, जो बिजनेस साइकिल होती है, बिजनेस साइकिल क्या होता है, देखो एक्सपेंशन पीक, पीक के बाद क्या होता है हल्का स्लो डाउन, फिर टेक्निकल रिसेशन, फिर डिप्रेशन, फिर रिकवरी। देखो यहाँ से लेकर रंगीन कर दे, थोड़ा रंगीन माहौल होगा, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो रहा है, इसको बोलते हैं एक्सपेंशन हो रहा है भैया, इकोनॉमी बढ़ रही है, अहो ओफ ओ एक्सपेंशन हो गया, यहाँ पर क्या हो गया पीक, ओफ ओ मतलब सब कुछ बढ़िया चल रहा है, फिर यहाँ से हल्का सा क्या हो गया स्लो डाउन हो गया, परेशान हो रहा है अल्लाह कमाई नहीं हो रही है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं हमें क्या पता क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टेक्निकल रिसेशन, मतलब कि जब दो बैक टू बैक क्वार्टर में, पता पढ़ा चुका हूँ सब कुछ भुला ना करो, जब दो बैक टू बैक क्वार्टर में स्लो डाउन देखा जाता है तो उसको हम लोग टेक्निकल रिसेशन बोलते हैं। अब ये दो क्वार्टर था, अब ये चार क्वार्टर हो जाएगा, क्वार्टर पवाना समझ लेना, अरे कहाँ गया रुक जा भाई सॉरी, ओ फिर से मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है देखो ऐसे 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 होता है ठीक है। तो जब दो क्वार्टर में स्लो डाउन होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं टेक्निकल रिसेशन, और जब चार क्वार्टर में एक पौवा ना समझना कोई लोग, चार क्वार्टर में होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं डिप्रेशन, दिमाग वाला डिप्रेशन नहीं मंदी वाला डिप्रेशन, है ना। तो यहाँ पर हो जाता है डिप्रेशन, और डिप्रेशन से फिर क्या होती है रिकवरी होती है, है? तो ये ऐसे चला करती है करंट कितना, तो ध्यान रखो होगा क्या। अब ये बताओ जो बैंक होते हैं, बैंक क्या करेंगे, बैंक जो होते हैं वो क्या करते हैं, कौन समय ज़्यादा लोन देंगे, यहाँ पर ज़्यादा लोन देंगे या यहाँ पर ज़्यादा लोन देंगे बताओ, हैं कहाँ पे लोन दोगे, पैसा कहाँ देंगे बताओ। तो बैंक जो होते हैं, देखो तुमको बता देगा तुम्हारा आंसर आ रहा है ये तो तुम एकदम गलत हो, वो यहाँ पे उनके पास या तो भिकमंगे हो जाते हैं, उनके पास कुछ बचता ही नहीं है, वो लोन कब देते हैं जब सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा हो। अब एक बिजनेस वाला आया क्या, अरे सर देख रहे हैं एकदम मार था तहलका मचा हुआ है, आप हमको पैसा दो हम भी वाला बिजनेस में, अच्छा लो लोन ले लो। तो बैंक जो ये बढ़िया पीक वाला पॉइंट होता है, ये वाली जो साइकिल होती है उसमें बहुत सारा लोन देते हैं, लो भैया ले जाओ ऐश करो, लेकिन करते करते जब पीरियड थोड़ा डाउन होता है ये भिकमंगे होते जाने खुद भी,
अब यहाँ पे आते एकदम हाथ खड़ा करी, हे अल्लाह क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है, पैसा ऐसा रही जाएगी, अरे अल्लाह क्या होगा। तो क्या होता है, अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या ज़रूरत है, क्योंकि मार्केट में डिप्रेशन है, डिमांड है ही नहीं, प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा, अनएम्प्लॉयमेंट हाई चल रहा है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया जाता है कि बैंक तो एकदम वही हो गए, समझ रहे हो ना, हाँ समझ रहे हो ना, तो बैंक एकदम वो हो गए। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट आती है, गवर्नमेंट कहती है अरे भैया हम हैं तो काहे का गम है, हम हैं तो बाकी सब 250 ग्राम कम है, ठीक। तो गवर्नमेंट आई, गवर्नमेंट क्या करती है, स्टिमुलस देती है, स्टिमुलस का मतलब पीछे से धक्का देती है, कहती है ये लो भैया। अब जैसे मिशन इंद्रधनुष आया होगा, अब मिशन इंद्रधनुष खाली आप वहाँ टीका लगवाने वाला भी नहीं है, देख लेना है ना, ऐसा ना कि खाली टीके वाला याद करे बैठे। तो मिशन इंद्रधनुष के जरिए आया, बहुत सारा पैसा मार्केट में इन्फ्यूज कर दिया। तो जब मार्केट में बहुत सारा पैसा इन्फ्यूज हुआ, बैंकों को पैसा मिल गया, तो बैंकों ने उधार देना स्टार्ट किया, बैंकों ने उधार देना स्टार्ट किया, तो रिकवरी हो गई। अब मैटर ये होता है कि ये क्यों बता रहे हैं, ये इस वजह से बता रहे हैं बिकॉज उनको CCCB पढ़ना है। देखो तो होता क्या है कि जो आप लोगों ने बैसल पढ़ा होगा, बैसल थ्री नाम में खाली कुछ लोग होते हैं, वो खाली कार पढ़ते हैं, जिसको करार बोला जाता है, करार ही नहीं है, उसमें एक कॉन्सेप्ट और भी है जिसको हम लोग CCB बोलते हैं। बोला ये जाता है कि जब पीक पॉइंट आए, जब अच्छे दिन हो, तब एक काम करो कि थोड़ा सा फ्रैक्शन जो आपकी टोटल कैपिटल है, NDTL नहीं, ध्यान रखना, अब तुम तो NDTL एकदम बकलोले हो रहे हो, मतलब कि जब अच्छा पीरियड हो तो अपनी टोटल जो आपकी कैपिटल है उसका एक फ्रैक्शन, हाँ देखो, जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो तो आपकी जो कैपिटल हो उसका एक फ्रैक्शन तुम जमा करते जाओ। कहाँ जमा करते जाओ, CCB में, हाँ CCB में जमा करो, मतलब ये वाला जो पीरियड है, यहाँ पर जो तुम्हारा अच्छा वाले, इसमें सारा पैसा उठा ना दो, कुछ पैसा अपनी कैपिटल का इसमें रखते चले जाओ। तो जब कैपिटल का रखते चले जाओगे, तब जब ये वाला समय आएगा तब इसमें इसी CCB में से निकाल के पैसा लोगों को देना। तो ये क्या है, काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर, मतलब कि ये जो साइकिल है इसको काउंटर करने के लिए एक बफर होना चाहिए, और ये साइक्लिकल बफर है, ये जो साइकिल चल रही है ना, ये साइकिल तो चल रही है इसे, तो इस साइकिल को काउंटर करने के लिए, जब ये वाली सिचुएशन आ जाए तो उसको काउंटर करने के लिए भी आपके पास एक बफर होना चाहिए, उसी को हम लोग CCB बोलते हैं। और ये वैरी करती है लगभग 0.4 से लेके 2.5% तक आती है आपकी टोटल कैपिटल का, बात समझ आ रही है। अभी कैपिटल क्या है, ध्यान रखना, बहुत ध्यान से देखो, एकदम क्रक्स पर मिल रहा है, चिल्लाना नहीं फालतू की। देखो जब कोई बैंक खोला जाता है तो क्या इनके पास बहुत सारा पैसा होगा, नहीं, हो सकता है कि इनिशियल कैपिटल जो इनकी लगती है उसको बोलते हैं कैपिटल। अब 100 करोड़ रुपए इन्होंने लगा के खोल दिया बैंक, अब ऐसा तो नहीं कि पहले दिन लगाया पहले दिन सब पैसा जमा करने आ जाएंगे, तो कुछ दिन जब खोलोगे बैंक तो लोग पैसा जमा करने आएंगे, तो मान लो 100 करोड़ रुपया तुमने, फिर लोग आए और लोगों ने तुम्हारे बैंक में जमा कर दिया, करंट अकाउंट खुलाया, सेविंग अकाउंट खुलाया, तो जो लोगों ने पैसा जमा किया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, NDTL, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, और जो तुमने इनिशियल कैपिटल लगाई थी उसको क्या बोलते हैं, वो आपकी कैपिटल है। तो ध्यान रखना, जो ये NDTL है इसको लड़ने के लिए RBI अलग अलग स्टेप लेती है, समझ रहे ना, NDTL को मैनेज करने के लिए RBI अलग अलग स्टेप लेती है, लेकिन ये जो आपने इनिशियल कैपिटल लगाई थी इसको बचने के लिए कौन आपकी मदद करेगा, इसको बचने के लिए मदद करती है आपकी बैसल, और बैसल आज से नहीं है, बैसल 1 आया, 2 आया और 3 आया, और जब 3 आया तब उसने इन सारी सिचुएशन से बचने के लिए दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिए थे। CRAR क्या होता है पिछली वीडियोस में बताया जा चुका है, नहीं समझ में आया होगा तो इसका मतलब वही हो, और अगर समझ में आएगा तो वेरी गुड है। और जो बैसल 3 है इसमें एक कॉन्सेप्ट और बताया गया था, CCCB, इसी ने बोला था जब माहौल अच्छा चल रहा हो तब तब एक थोड़ा सा अमाउंट अपनी कैपिटल का भरते जाओ, जब माहौल ख़राब होगा तब उसमें खर्चा करते जाओ, सरकार के ऊपर भिखमंगों की तरह कटोरा लेके खड़े मत हो जाओ, समझ लेना, बस समझ में आ गया, बाकी पढ़ लेना समझ में आ जाएगा, नहीं समझ में आएगा तो फिर अल्लाह बेहतर जाने, आगे बढ़ो। ये क्या लगा, डायनासोर नहीं, बन का श्योरेंस, अरे यार क्या बकवास है, देखो बन का श्योरेंस जो भी हो समझ में लो, बन का श्योरेंस क्या है, खोलो भैया, ठीक है, बैंक का इंश्योरेंस क्या है, ये बैंक और इंश्योरेंस के बीच में शादी हुई है, शादी का मतलब आपस में दोनों ने क्या किया है,
लिंक कायम कर लिया है, इसमें लिंक कायम कर लिया है। क्या हुआ, अब इंश्योरेंस वाले कह रहे हैं कि भैया ऐसा है कि तुम्हारे कस्टमर है, उनकी इन्फॉर्मेशन तुम हमको दे दो। तो बैंक ने कहा ठीक है, तुम्हारी इन्फॉर्मेशन हमको दे देंगे, हमको क्या मिलना चाहिए। तो कहने लगा यार तुम हमारे इंश्योरेंस कवर बेचोगे, तो तुम बेचोगे तो तुम्हें कुछ बेनिफिट हम भी देंगे। ओके, तो बैंक ने कहा कि हम अपने कस्टमर की इन्फॉर्मेशन तुमको देंगे और तुम हमको बदले में क्या दोगे। तो इंश्योरेंस ने कहा तुम मेरा इंश्योरेंस बेचो, उसका बेनिफिट हम तुमको देंगे। ओके, तुम तो एकदम कोरल रीफ हो गए, जूज एंथेलियन पॉलिप की तरह हो गए। तो इनके डेटा देने से इनको फ़ायदा और इनके बिकने से इनको फ़ायदा, और इसी पूरे मिलीजुली टर्म को क्या बोलते हैं, यही डायनासोर, ओ बैंकास्योरेंस, हाँ बैंकास्योरेंस बोलते हैं। ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, खाली एक बार पढ़ लोगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। नाम से ही पता चल रहा है कि भैया कितना डिपॉजिट हुआ और उसका कितना फ्रैक्शन बैंक ने क्रेडिट दे दिया। लाइक 100 रुपया बैंक के पास आया और 100 रुपये में से बैंक ने उठा के कितना परसेंट दिया, मान लीजिए 80 रुपया दे दिया उधार में, तो उसका रेशियो कितना हो गया, 80/100। हाँ 80/100 हो गया। ठीक है, अब ये क्या है, यहाँ पे कुछ लाइन लिखी हुई है, इसको पढ़ लेते हैं, देखना काम आ सकती है। कि आ लो CD रेशियो सजेस्ट रिलेटिवली पुअर क्रेडिट ग्रोथ। जाहिर सी बात है भैया, जब जितना पैसा आया है तो अगर वो लो है, CDR अगर लो है तो इसका मतलब क्या है, क्रेडिट नहीं जा रहा है। अगर ये हाई है इसका मतलब क्रेडिट जा रहा है, बस सिंपल सी बात है। अब इसके इम्पैक्ट क्या होते हैं, क्रेडिट कम जाएगा तो मार्केट में लोगों को उधार कम मिलेगा, उधार कम मिलेगा तो प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो प्रोडक्टिविटी कम, प्रोडक्टिविटी कम तो GDP ग्रोथ कम, GDP ग्रोथ कम तो मोदी जी का सपना टूट जाएगा, चूर चूर हो जाएगा, $5 trillion का सपना चूर चूर हो सकता है। तो उसको बढ़ना चाहिए, है ना। तो CDR देख लेना, इसका मतलब यही होता है, बहुत ज़्यादा डीपली कॉन्सेप्ट नहीं है जिसके मैं एक्सप्लेन किया जाए। आगे बढ़ो, देखो PCA क्या है, PCA क्या है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। RBI ने बोला कि भैया ऐसा है, जितने भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, कान खोल के सुन लो, अगर कहीं दिक्कत हुई इन तीन चीज़ों में, किसमें दिक्कत हुई, CRAR में 9% बोले ना, अगर इनमें कुछ कमी आई होंक देंगे रख के तुम। दूसरा, जो तुम्हारा नेट NPA है ना, समझ रहे हो ना, नेट NPA मतलब कहाँ गया भाई, सॉरी, जो करार है वो 9% से ऊपर नीचे हुआ, कमी आई तो तुम्हें हॉक देंगे। दूसरा, तुम्हारा जो नेट NPA है बैलेंस में रखो, मजबूत रखो, और जितनी भी तुम्हारी एसेट हैं उस पर तुम्हारा रिटर्न कितना आ रहा है। ऐसा तो नहीं जितनी एसेट लगाई उससे उल्टे ही देते जा रहे हो। तो रिटर्न ऑन एसेट तुम्हारा कितना है, तुम्हारा नेट NPA कितना है, CRAR सब कुछ नॉर्मल है या नहीं है। अगर ये सब चीज़ें जितना हमने बताया उस आधार पर नहीं है तो तुम समझ लो तुम्हारा बवाल धरा हुआ है। अब इसके लिए होगा क्या, कुछ भी नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत कुछ करेंगे बस। खाली क्या करेंगे बता रहा हूँ, क्या ये दो चीज़ कर देंगे, रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे कि तुम्हें डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाएगी, तुम्हें रेमिटेंस के ऊपर प्रॉफिट नहीं दिया जाएगा, तुम्हारी ब्रांच को एक्सपेंड नहीं करने दिया जाएगा, चाहे डोमेस्टिक हो चाहे ओवरसीज हो। इट मीन्स कि अगर आप RBI के द्वारा बताए गए कुछ मानदंडों के ऊपर आधारित अपनी एक्टिविटी नहीं करते, और वो मानदंड क्या है वो आप यहां से देख सकते हो, ये तो तुम्हारे ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन के स्टेप लगा दिए जाएंगे और उसके आगे तुम्हें कुछ बोलने की इजाज़त नहीं है। और वो क्या होंगे, तुम्हें डिविडेंड लेने से रोक दिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट करने से रोक दिया जाएगा, तुम्हें रेमिटेंस के ऊपर प्रॉफिट देने से रोक दिया जाएगा, और क्या ब्रांच नहीं खोल सकते हो, ना ही इंडिया में ना ही कहीं बाहर। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो PCA किसके लिए होता है, ध्यान रखना, PCA होता है SCB के लिए। इसी तरीके से एक और होता है SAF, बताओ किसके लिए होता है, बताओ। और हाँ, अब ये पहली बार SAF होता क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये बताना। ये एकदम PCA की तरीके से है, PCA जैसे SCB के लिए होता है और SAF किसी और के लिए होता है। तुम लोग माशाल्लाह बहुत अकलमंद हो, लेकिन तुम्हें बताया दे रहे हैं, ये होता है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए है। बाकी क्या है जानना चाहते हो, पीछे के एपिसोड में देखो। ओके बाय, आगे बढ़ो। चलो, लोन वे ऑफ मतलब बैंक ने दिया था 1,000 करोड़ रुपए का लोन किसानों को। पंजाब का इलेक्शन हुआ और पंजाब के इलेक्शन में भाइयों बहनों, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भैया जो किसान है उनका उधार चुका दिया जाएगा, चुका नहीं जाएगा, माफ कर दिया जाएगा।
तो माफ़ कर दिया जाएगा। तो बैंक कहना ऐसा है, यहाँ आओ गले में मफलर वाले, यहाँ आओ। ऐसे कैसे माफ़ कर दिया जाएगा, हमने उधार दिया, हमको पैसा दो। तो कहेंगे ठीक है, तुम घबराओ नहीं, माफ़ करेगा, किसान तुम्हें नहीं देगा, हम तो तुम्हें पैसा देंगे ना। अब क्या होगा, वेव ऑफ हो गया, जो किसानों को जो उधार दिया गया था वो ख़त्म, अब किसानों को नहीं देना है, लेकिन कोई तो देगा, सरकार देती है ना। तो जब इस तरह की एक्टिविटी होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोन वे ऑफ। हाँ, लोन वेव ऑफ। ओके, उसके बाद दूसरा क्या है, लोन राइट ऑफ क्या होता है। लोन राइट ऑफ का मतलब क्या है, कोई बैंक है, बैंक में एक पर्सन ने उधार दिया 1,000 करोड़ रुपए का उधार दिया, हाँ 1,000 करोड़ रुपए का उधार दिया, और 1,000 करोड़ रुपए का जब उधार दिया था, तो जब उधार दिया तो भैया वो एसेट में आएगा, ठीक है। अब जब उधार का मतलब क्या है, एसेट है। अब ये एसेट जो है, ये क्या है, स्टैंडर्ड एसेट है। क्या खा रहे हो, ये स्टैंडर्ड एसेट है ना, मतलब कि आपको ईएमआई दे रही है, लेकिन ये स्टैंडर्ड एसेट से एनपीए कैसे बन जाएगा, 90 दिन तक लेके भाग जमू रहा है, एनपीए बन जाएगा। एनपीए के बाद सब स्टैंडर्ड एसेट, डाउटफुल एसेट, लॉस एसेट में कन्वर्ट होता है। तो ये जो एसेट है, लिखा कहाँ रहेगा, बैंक की बैलेंस शीट में ही लिखा रहेगा ना। तो क्या होगा कि मान लीजिए एक ससुरा आया है, वो एनपीए लेके चला गया, हो गया, दूसरा आया वो भी एनपीए हो गया, तो बेचारा जो बैंक की जो एसेट वाली शीट थी, वो एसेट से बदल कर किस में कन्वर्ट हो जा रही है, एनपीए में कन्वर्ट हो जा रही है। अब क्या होगा, तो आपको पता है पीसीए फ्रेमवर्क इनके ऊपर कहीं ना लगने लगे, तो बैंक ससुरवे क्या करते हैं, जो उनकी बैलेंस शीट होती है उसमें से हटाते, मिटा देते हैं, रबर लाते, मिटा देते हैं, कहते भाई जल्दी जल्दी को मिटा दो, नहीं तो आरबीआई वाले आके देख लेंगे, तो कहेंगे बहुत एनपीए तुम्हारा हो गया। तो उसको क्या बोलते हैं, अपनी बैलेंस शीट से जब उसको हटा देते, तो उसको बोलते हैं रिटर्न ऑफ करना। लेकिन ध्यान रखना, वेव ऑफ में क्या होता है कि पैसा उनको मिल गया है, यहाँ पर पैसा नहीं मिला है, खाली बैलेंस शीट से हटाया गया है। तो बैंक वाले जो ससुरवे होते हैं छोड़ते नहीं है, बैलेंस शीट से हटाया है, लेकिन आपसे पैसा निकाल लेंगे, वो कैसे भी निकाले वो उनके ऊपर है। तो बोला ये जाता है, एक डेटा दिया गया है कि अप्रॉक्सीमेटली 1,000,000 करोड़ रुपये का जो रिटर्न ऑफ था, 1,000,000 करोड़ रुपए का है, लेकिन जिसमें से बैंकों ने कितनी उगाही कर ली है, 1,32,000 करोड़ रुपए की उगाही कर ली है। अरे थोड़ा हमका भी दे तो हम भी लेके भाग जाए भाग, है ना। तो 1,000,000 करोड़ रुपए का रिटर्न ऑफ किया था, लेकिन छोड़ा नहीं था, तो बैंक दूसरे लीगल मीन्स को अपनाती है ताकि उससे पैसा ले ले। रिटर्न ऑफ का मतलब इतना है, बस बैलेंस शीट में लिखा था वहां से हटा दिया गया, बस ज़्यादा नहीं। अब ये MCLR क्या होता है, MCLR क्या होता है, देखो मान लिया, देखो बैंक है, तो बैंक के पास गए, एक है ए गए, ए नहीं गए, हाँ ए गए, चलो ए गए, ए ने कहा भैया हमको लोन दे दो, तो बैंक ने कहा ठीक है भैया तुमको लोन चाहिए, ओके तुम्हें देंगे हम 8% पे लोन देंगे, ओके। और दूसरा का गया, अब दूसरा वाला गया, वो कहे हमको भी लोन दे दो चचा। तो ये जो बी वाला था, ये बैंक के मैनेजर को जानता था, कहे भैया तो बैंक का मैनेजर कहे ठीक है रुक जाओ बेटा, तो हमारे आदमी को 4% दे लो। तो ये जो ए था, का घूम रहा है, ये जो ए था, ये हमारी क्लास करके गया था, हमारी क्लास करके गया था, UPSC की तैयारी कर रहा था, हैं, ये हमारी क्लास करके गया था। तो हमारी क्लास में बताया था कि अगर तुम बैंक के पास लोन लेने जाओ, तो बैंक तुमको जो भी इंटरेस्ट रेट पे लोन दे, लेकिन ध्यान रखना एक बेंचमार्क है, उसके नीचे नहीं देंगे, उसके नीचे नहीं देंगे, मतलब मान लो हमने बेंचमार्क मार दिया 6%, उसके नीचे नहीं दिया जाएगा लोन, चाहे जो आ जाए। लेकिन तुमने देखा कि बी वाले को पैसा दे रहा है, तो जो आप बैंक से कहो भैया ये क्या है, हमको 8% भूगो, उसको 4% पे, ये सही, ये ज्यादती है जहाँ बना, ये ज्यादती है। तो होगा क्या, उसको बताओ कि ससुरवाई क्या कर रहे हो, आरबीआई ने तो एक बेंचमार्क बना रखा है कि 6% से नीचे नहीं दे सकते। तो क्या ये बेंचमार्क क्या होता है, कहता अच्छा तुमको नहीं पता बेंचमार्क क्या था, हमको उल्लू बना रहे हो। उस बेंचमार्क को बोलते हैं MCLR, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब है कि ठीक है चाहे जिसका जितना जानने वाला आ जाए, लेकिन 1% डिफाइंड है, उसके नीचे बैंक अपने जानने वालों को उससे नीचे उधार नहीं दे सकती, ठीक है। तो भैया अब 4% लगा आएगा ससर होगा अपना बढ़वाई, तो इनका भी 6% हो जाएगा, इनका मन होगा तो 6% हो जाएगा, तो हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, ठीक है। बाकी इंटरेस्ट जो लगता है वो पर्सन टू पर्सन कहीं ना कहीं वैरी कर सकता है, इज दैट क्लियर। तो MCLR वो बेंचमार्क रेट है जिसके नीचे कोई भी बैंक अपने कस्टमर को उसके नीचे इंटरेस्ट पर लोन नहीं देगा, बस दैट्स इट। MCLR से पहले क्या था, बेस रेट, बेस रेट था 2010 में, MCLR आया 2016 में, और MCLR भी अच्छे थोड़े ना है, बहुत ये बैंक वाले जो मैनेजर थे बहुत चटनवे होते साले,
है, MCLR की जगह आप क्या आ गया है कि लिंक्ड करके बोलते हैं, जैसे किसी बेंचमार्क के साथ लिंक्ड करके इंटरेस्ट लिए जाते हैं। अब वो क्या होता है, रेपो रेट होता है, क्या होता है मैंने पिछली वीडियो में बताया है, वहाँ पे जाके देखो, अब हमसे मत पूछो चीज़ें, बता देंगे बाद में। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट क्या है, अब इसको खुद पढ़ लेना। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट क्या है, ये बाई एनुअल रिपोर्ट है, RBI पब्लिश करती है, देश में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसी चली है उसके बारे में ये सब चीज़ें होती हैं, बेसिक सा चीज़ है, इसके बारे में पढ़ लेना, रिपोर्ट है, कौन पब्लिश करता है ये देख लेना। उसके बाद रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम, मतलब क्या है कि ऑम्बुड्समैन का मतलब क्या है कि आपकी समस्याओं का समाधान अगर बैंक नहीं कर रहा है तो अपनी समस्याओं को किसी एक ऐसे पर्सन को बता दो जिससे बैंक भी डरते हो, तो वो क्या होता है ऑम्बुड्समैन। अब जैसे कोई करप्शन, जैसे आप किसी बैंक में गए और बैंक वाला आपके साथ करप्शन कर रहा है, हमको इतना रुपया दो तब तुम्हारा लोन पास करेंगे, तो ये वाली शिकायत किसको करोगे, ऑम्बुड्समैन को करोगे। तो ऐसे बहुत तरीके के ऑम्बुड्समैन हैं जो कि RBI की निगरानी में चलते हैं, तो उन सारे ऑम्बुड्समैन को इंटीग्रेट कर दिया गया है। अब याद करने मत बैठ जाना कौन से वाले को किया गया कौन वाले को नहीं किया गया है, बस बहुत इतना, आगे बढ़ो। दक्ष क्या है, लग रहा है कुछ अच्छा ही से तो लग रहा है कि वेब बेस्ड एंड टू एंड वर्क फ्लो एप्लीकेशन है जिसको RBI ने लॉन्च किया। भाई इतना याद रखो कि RBI ने इसको लॉन्च किया है, काहे के लिए लॉन्च किया है, ताकि मॉनिटर कंप्लायंस रिक्वायरमेंट हो सके, किस चीज़ की जरूरत है उसके लिए, किसने याद किया है, RBI ने लॉन्च किया है, इतना ध्यान रखना, बाकी डिटेल इसमें पढ़ सकते हो, कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स, कल चिल्ला के बता चुका हूँ, नहीं पढ़ लेना, समझ में नहीं आया तो पिछले वाली वीडियो जाके देख लेना, और देख लेना ससुर हुआ पेपर में आ जाएगा तो एकदम हलहला जाओगे, एकदम फैक्ट सब कुछ बताया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अकाउंट एग्रीगेटर, ओहो ये धांसू है। देखो हम गए बैंक के पास, ये हम हैं और हम गए बैंक के पास, भैया 10 लाख रुपया दे दो हमें चाहिए, तो बैंक ससुर हुआ तुम हो कौन, कि हम हैं IQ सर, कहें हो गए कोई IQ सर, तो कहेंगे ठीक है 10 लाख तुम्हें लोन दे दो, कुछ तो दिखाओ तुम्हारा क्या इतिहास है, तुम क्या हो, तुम्हारे क्या है, तुम्हारा सिविल स्कोर क्या है, कुछ बताओ तो डेटा दे दो, डेटा तो हमारे पास नहीं है, तो गधा कहीं का कुछ डेटा भी नहीं है, बैंक से उधार लेने चलाया। लिसन होता क्या है कि कोई भी पर्सन जो बैंक से उधार लेना जा रहा है, बैंक उसको उधार देने से पहले बहुत सारे डॉक्यूमेंट को चेक करती है कि भैया तुम्हारी क्रेडिट हिस्ट्री कैसी है, उधार लेके तुम भाग तो नहीं गए थे, नीरव मोदी तो नहीं बन गए थे, है ना, और पता नहीं कौन से मोदी, अरे हमको ना को तो पता चला हमें भी डिफेमेशन केस में फंसा दें तो 2 साल के लिए हम भी पढ़ाना बंद हो जाए, है अल्लाह राहुल गांधी बेचारा, दाढ़ी बड़ी हो गई थी हमें बाल कटा दिए, बहुत धांसू लुक आया मेरा, देखना चाहो तो क्लास में आओ, एकदम बाल बाल मुंडा दिए एकदम फिलहाल। तो क्या होता है कि कोई भी पर्सन बैंक से उधार लेने के लिए, बैंक उसको उधार तभी देगी जब आपका पिछला रिकॉर्ड देखे, मतलब आपका रिकॉर्ड देखे, तो आपका रिकॉर्ड कहाँ है, अरे यार हमारा रिकॉर्ड कहाँ है पता नहीं कहाँ है, हो सकता है बैंक के पास हो सकता है मैंने कोई लाइफ इंश्योरेंस लिया हुआ उसके पास हो सकता है मैंने कहीं करंट अकाउंट मतलब कि कहीं डीमैट अकाउंट खुलवाया हो तो सेबी के पास हो। तो अकाउंट एग्रीगेटर क्या करता है, अकाउंट एग्रीगेटर एक तरीके का एक मैकेनिज्म है जिसमें आपके जितने भी फाइनेंशियल्स हैं, क्रेडिट हिस्ट्री से लेके हर तरह के फाइनेंशियल हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन आपके पास हो जाएगी। अब क्या होगा कि वो इन्फॉर्मेशन अकाउंट एग्रीगेटर के पास हो जाएगी। अब जैसे मान लो कि आपको उधार लेने जाना है बैंक के पास, तो बैंक आप हो, आपको बैंक के पास उधार लेने जाना था, तो बैंक अब आपसे नहीं पूछेगा, वो जाएगा अकाउंट एग्रीगेटर के पास, कहेगा भैया ये साहब आए बहुत पैसा मांग रहे हैं 10 लाख रुपया चाहिए इनको, बताओ दिया जाए। तो ये अकाउंट एग्रीगेटर क्या करेगा, इनको आपकी सारा चिट्ठा जो आपका इनके पास जमा है वो इनको दे देगा, फिर वो देखेंगे अच्छा अरे यार तुम तो बहुत अच्छे हो, IQ साहब तुम बहुत अच्छा लोन चुकाते हो, चलो तुमको 10 नहीं 12 लाख रुपये तुम लोन दे सकते हैं, ठीक है। तो अकाउंट एग्रीगेटर क्या है कि आपकी सारी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एक जगह पर इकट्ठा हो गई है। अब क्या होगा, जो आपको सर्विस देने वाला मतलब जो लोन देने वाला है, जो इंश्योरेंस देने वाला, कोई भी हो सकता है, सेबी भी इसका यूज़ कर सकती है, IRDAI भी कर सकती है, RBI भी कर सकती है, बैंक भी कर सकते हैं, जो भी जिसके साथ आप सर्विस देने जा रहे हो, अकाउंट एग्रीगेटर आपकी इन्फॉर्मेशन उसको देगा और वो आपको सर्विस देगी। अगर आप लोन लेने गए हो तो बैंक इसको यूज़ करेगा, अगर आप इंश्योरेंस लेने गए हो तो इंश्योरेंस कंपनीज का यूज़ करेगी अकाउंट एग्रीगेटर का। और ध्यान रखना अकाउंट एग्रीगेटर होगा कौन, ये तो फ़ोन पे चलाते हो, फ़ोन पे, पेटीएम करो, हैं गूगल पे, ये अकाउंट एग्रीगेटर है ना, इनके पास आपकी सारी इन्फॉर्मेशन होगी, फिर बैंक अब इनसे ले लेंगे, ये अकाउंट एग्रीगेटर का कॉन्सेप्ट है। ज़्यादा क्या इन्फॉर्मेशन है आगे जाके पढ़ सकते हो, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं, कॉन्सेप्ट बस यही है, इससे ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ो, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स,
ठीक है, ये क्या है इसको समझने के लिए ऐसे देखो, मान लो कि सन 2005 में हमने 10 लाख रुपए की एक प्रॉपर्टी खरीदी और 2023 में हम बेच रहे हैं उसको 50 लाख रुपए में, तो ये बताओ कैपिटल गेन कितना हुआ, 40 लाख रुपया हुआ, 40 लाख रुपया हुआ। तो आपको पता है कि जब मार्केट में किसी तरह की चीज़ें होती हैं, किसी तरह की मार्केट में कोई चीज़ें होती हैं, तो होता क्या है कि इसके ऊपर लग जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लग जाएगा इसके ऊपर, और आपसे टैक्स पालेंगे पैसा, ये 40 लाख कमा लो जरा रुपया हमको भी दो है। तो क्या हुआ कि आपने कैपिटल खरीदी 2005 में और 2023 में बेच दी, तो कैपिटल जो थी आपकी उसका हो गया गेन, कितना गेन हुआ, 40 लाख रुपया। अब 40 लाख रुपये में आप टैक्स दे दोगे तो बचेगा क्या, कुछ नहीं बचेगा। तो ध्यान रखो एक चीज़ होती है कि क्या जो 10 लाख रुपए की चीज़ आपने उस समय खरीदी थी, जितनी भी इन्फ्लेशन रही हो, लेकिन क्या उस समय अभी इन्फ्लेशन उतनी ही है, नहीं। तो जैसे मान लो कि कोई चीज़ उस समय आप 100 रुपए में खरीदते थे, अगर आप वही चीज़ इस समय खरीदना चाह रहे हो तो क्या 100 रुपए में मिलेगी, नहीं, डेफिनेटली 100 रुपए से ज़्यादा की मिलेगी। इसका मतलब क्या, रुपए की वैल्यू कम हो गई। तो अब क्या है कि इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके जब आपको रियल बताया जाएगा कि आपने कैपिटल गेन कितना किया है, अब यहाँ पे अभी कितना कैपिटल गेन है, 40 लाख रुपया, लेकिन रियल में क्या इतना कैपिटल गेन नहीं है, बल्कि ये इन्फ्लेशन एडजस्टेड है। तो इन्फ्लेशन को जब इसमें से हम हटाएंगे इन्फ्लेशन, तब पता चलेगा कि रियल में कितना तुम्हारा कैपिटल, तो मतलब 10 लाख ही खरीदी, पता चला 20 लाख ही हुआ, बाकी का 20 लाख तो खाली इन्फ्लेशन की वजह से आपको पता चला है। तो जब ये 20 लाख हो, अब इसके ऊपर आपसे कैपिटल गेन वाला टैक्स लिया जाएगा। तो ये सब चीज़ें इन्फ्लेशन को मैनेज करके आपसे जो डेटा लिया जाता है, ये कौन देता, कैसे पता किया जाता है, ये पता किया जाता है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स के जरिए से। तो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स क्या बताता है कि किसी चीज़ की कॉस्ट अगर बढ़ी है तो उसमें इन्फ्लेशन का कितना रोल है। बस समझ में आ गया, एग्जाम्पल लिया था, समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो भैया हे ईश्वर, ओके आगे बढ़ो। लिबोर क्या है, देखो मानो दिया SBI है इंडिया का, है ना, और सिलिकॉन वैली बैंक से वो उधार लेने जा रहा है, मतलब चलो मान लो लेने जा रहा है, तो अब सिलिकॉन वैली से उधार लेने जा रहा है, तो भैया जो SBI इनसे कह रहा है भैया तो हमको काम करो, हमको उधार दे दो, कितना इंटरेस्ट लोगे, तो कहेगा कितना इंटरेस्ट लेंगे, अरे बबुआ तुम लिबोर नहीं पढ़े हो। लिबोर का मतलब क्या होता है कि जो लंदन स्टॉक एक्सचेंज है वहाँ पर हर दिन 11 बजे एक डेटा मेंशन होता है जिसको हम लोग लिबोर के नाम से जानते हैं, ये एक इंटरेस्ट रेट पब्लिश कर देता है। अब मान लो कि इसमें क्या होता है कि जब पूरे वर्ल्ड में कोई एक बैंक जैसे कि SBI किसी दूसरी कंट्री के दूसरे बैंक से उधार लेना चाहता है, तो कौन, ये जो SVB है इनके ऊपर कितना इंटरेस्ट लगाएगी, उस इंटरेस्ट को लिबोर बोला जाता है। हैं, कब बोला जाता है, लिबोर बोला जाता है। तो ध्यान रखना, अब SBI से कहेगी कितना इंटरेस्ट लोगे, तो कहेंगे भैया लिबोर कितना है, तो बताएंगे 5% लिबोर है, ठीक है 5% लोगे, नहीं हमारा स्प्रेड भी तो दो, तो कहेंगे 1% हम स्प्रेड भी लेंगे। अब स्प्रेड क्या होता है, अब इतना नहीं बताएंगे, ये तुम लोग बताना स्प्रेड क्या होता है। तो लिबोर तो मिनिमम रहेगा प्लस ये स्प्रेड इसमें ऐड हो जाएगा। अब मान लो तो RBI ने कहा यार तुम स्प्रेड तो बहुत मांग रहे हो, तो SBI ने कहा ठीक है तुमसे लोन नहीं लेंगे। तो अब SBI गई यूनाइटेड किंगडम के किसी बैंक के पास, उससे कहने लगी, तो कहें भैया लिबोर कितना का, 5% तो लिबोर जाएगा ही जाएगा, लेकिन जो स्प्रेड है वो हम 0.5% लेंगे। ओके, तो यहाँ पे टोटल कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा RBI को, 5.5%। यहाँ पे कितना दे पाना पड़ता है, 6%। तो RBI किसको, SBI किसको ऑप्ट करेगी, ये वाले को ऑप्ट करेगी। तो ये बेसिक कौन सा है, वो है लिबोर। तो लिबोर क्या है कि एक वर्ल्ड का बैंक इसे दूसरे वर्ल्ड के बैंक से जब उधार लेने जाता है तो कितना इंटरेस्ट मिनिमम उसके ऊपर चार्ज किया जाएगा एक्सपर्ट को हटा के, वो उसको क्या कहते हैं, लिबोर बोलते हैं। इसी तरीके से माइबोर होता है, मिबोर जो भी बोले, MIBOR मिबोर। मिबोर क्या होता है, ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पब्लिश करता है, जैसे वहाँ पे लंदन स्टॉक एक्सचेंज करता है, यहाँ पे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बोलता है। मतलब कि इंडिया में अगर ICICI बैंक जो है उसको HDFC से उधार लेना है, तो इनको इनसे उधार लेना है, तो भैया कितना इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, मिबोर प्लस स्प्रेड। ठीक है, स्प्रेड क्या होता है, ये बैंक टू बैंक वेरी करता है। ठीक है भैया, अलग एग्जाम्पल यहाँ पे लगा। तो लिबोर और मिबोर आप समझ गए, बाकी अगर नहीं समझे होगे तो भैया बाकी आओ, आगे आओ। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है बॉन्ड यील्ड कर्व इन्वर्जन। देखो पहले तो बॉन्ड यील्ड क्या होता, देखो बहुत ध्यान से देखना,
एक बॉन्ड है उसको बेचा है, अब बॉन्ड बेचता कौन है खरीदता कौन है ध्यान से देखना, भूल गया मैं, नहीं भूले नहीं याद है सब। बॉन्ड क्या होता है देखो, सपोज दैट कोई एक कॉरपोरेट एंटिटी है, कॉरपोरेट एंटिटी है, उसको चाहिए पैसा, क्या चाहिए पैसा, तो पैसा पैसा करती है क्यों पैसे पे तुम मरती है, हाँ तो इसको पैसा चाहिए, तो मार्केट में आया कहेंगे पैसा दो पैसा दो पैसा दो पैसा दो, तो लोगों ने कहा तुम हमें क्या दोगे क्या दोगे क्या दोगे क्या दोगे, तो ये ठीक है एक पेपर दिए दे रहे हैं जिस पे लिखा है कि ये जो बॉन्ड है ये 100 रुपये का है ना, और ये 10 साल तक चलेगा, 10 ईयर्स तक इसकी मैच्योरिटी पीरियड है, और इसके ऊपर कूपन रेट कितना है 10%, 10% कूपन रेट का मतलब इंटरेस्ट इस पे कितना मिलेगा, क्योंकि बॉन्ड में कूपन बोला जाता है। देखो अब होगा क्या कि ये जो कॉरपोरेट एंटिटी थी इसने मार्केट से, जैसे मैं हूँ मुझसे ₹1,000 लिए और मुझे बॉन्ड दे दिया, तो ये जब ये बॉन्ड देगा, अब ये मैं बॉन्ड अपने पास रखा हूँ कितने रुपये का ₹1,000 का, तो जब 1 साल हो जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा 10 रुपये इसके ऊपर मुझे कूपन रेट मिल जाएगा, तो अभी मेरे पास कितना समय बाकी है 9 साल अभी भी बचे, फिर अगले साल फिर मुझे 10 रुपये मिलेगा, फिर अगले साल फिर 10 मिलेगा, तो 10 साल तक मुझे ये 10 रुपये देगा, और 10 साल जब हो जाएगा मैच्योरिटी पीरियड खत्म होगा तो फिर ये बॉन्ड हमसे वापस ले लेगा और फिर ₹1,000 हमको वापस दे देगा, इज दैट क्लियर, तो टोटल अमाउंट हमको कितना मिल जाएगा 1,000 तो प्लस हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट जो था और प्लस 10 रुपये करके जो हर साल मिल रहा था वो भी मिला के कितना हो गया, कितना हो गया 10% के हिसाब से कितना हो गया, अरे 10% के हिसाब से 100 रुपया मिल रहा था तो 10 साल के बाद कितना 1,000, तो टोटल कितना मिल जाएगा 2,000 रुपया, मैं पैसा डबल 10 साल में पैसा डबल, ये राजू रस्तोगी नहीं है 21 दिन में पैसा डबल है ना, तो बात समझ में आई, तो बॉन्ड कैसे वर्क करता है एक बार मैं फिर बता दूं, शायद आप लोग के ऊपर छोड़ गया हो, जो बॉन्ड होता है बॉन्ड जो जारी करता है वो अपने कस्टमर को, जैसे कि 1,000 रुपये का था उसको एक मैच्योरिटी पीरियड पे कूपन रेट देता, कूपन रेट देता, और कूपन रेट का मतलब क्या इंटरेस्ट रेट, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, ये तो बेसिक सा बॉन्ड का कॉन्सेप्ट हो गया, एक बार और इसको देख लेना। अब ये क्या होता है कि जनरली होता क्या है कि जो बॉन्ड होते हैं उसमें क्या होता है कि बॉन्ड के ऊपर एक यील्ड होती है, तो जो 1,000 रुपये का बॉन्ड था उस पर जो 10% था वो उसकी यील्ड थी, ठीक है। अब ध्यान से देख के बताना, अगर ये बॉन्ड की प्राइस, ये जो बॉन्ड की प्राइस है मैच्योरिटी पीरियड 10 साल था तो 10 साल तक 1,000 रुपये तो रहेगी है ना, लेकिन मान लो किसी वजह से इस बॉन्ड की डिमांड बहुत बढ़ गई, अब आदमी मरा जा रहा है कि लेंगे लेंगे हम यही बॉन्ड लेंगे चूंकि इस पर 10% मिला, कहें गधे पहले समझ तो लो कैसे ये काम करता है, तो कहें नहीं तुम हमसे 1,100 रुपये ले लो लेकिन ये बॉन्ड हमको दे दो, तो हमारे तक कोई था कि अच्छा ठीक है 100 रुपये पगलवा के हिंग का गधा, ठीक है हमको 1,100 रुपये इन्होंने बॉन्ड के ले लिए किसी पर्सन, डिमांड बढ़ गई ना तो 1,100 रुपये बेच रहा वो, अब 1,100 रुपये के हिसाब से सोच रहा है कि भैया इसको कितना मिलेगा 10%, लेकिन ससुर हुआ पगला गया हो क्या, 1,100 रुपये के हिसाब से नहीं, बॉन्ड इशू कितने पे हुआ था, इशू प्राइस कितना था वो 1,000 रुपये था, अब तुमने 1,100 रुपये दिया है तो तुम्हें ये मत सुना 1,100 रुपये तुम्हें 11 रुपया मतलब कि 110 रुपया तुम्हें मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम्हें इंटरेस्ट कितने पे मिलेगा है वो जो 10% था उतने पर ही मिलेगा और 1,000 रुपये ही मिलेगा, तो अब क्या होगा जो पर्सन जिसके पास 1,000 रुपये का बॉन्ड था और उसको 10% मिल रहा था उसको ज़्यादा बेनिफिट है कि 1,100 रुपये का बॉन्ड था और 10% इंटरेस्ट मिल रहा है लेकिन 1,000 रुपये ही उसको ज़्यादा बेनिफिट है, तो ऑब्वियस सी बात है ये तो दूसरा वाला जिसने बाद में ख़रीदा डिमांड बढ़ने की वजह से उसको हो जाएगा लॉस, क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा, लॉस का मतलब इस वजह से क्या होगी, तो जो बॉन्ड यील्ड 1,000 रुपये वाले पे थी वो ज़्यादा थी और 1,100 रुपये वाले पे क्या हो गई कम हो गई, तो यहाँ से एक बात समझ में आई कि जैसे जैसे किसी भी बॉन्ड की डिमांड बढ़ती है वैसे वैसे उसकी यील्ड कम होती है, समझ में आया नहीं समझ में आई, ठीक है, तो बस यही चीज़ है बॉन्ड यील्ड का मैटर ही है। अब हो क्या रहा है कि बॉन्ड यील्ड इन्वर्जन क्या होता है, जनरली क्या होता है कि अगर कोई अच्छी इकोनॉमी है तो उसमें लॉन्ग टर्म बॉन्ड की यील्ड जो है वो ज़्यादा होती है और शॉर्ट टर्म बॉन्ड की यील्ड थोड़ी सी कम होती है, ग्राफ है मान लो दिल पे मतलब लॉन्ग टर्म बॉन्ड जो होता है उसकी यील्ड ज़्यादा होती है और शॉर्ट टर्म बॉन्ड की यील्ड कम होती है। अब एक सिचुएशन ऐसी आ जाए कि ग्राफ ऐसे बनने लगे,
शॉर्ट टर्म बॉन्ड की यील्ड ज़्यादा हो जाए और लॉन्ग टर्म बॉन्ड की यील्ड कम हो जाए, हो तो क्या होगा? इसी को बोलते हैं बॉन्ड यील्ड कर्व का इन्वर्जन। अब ये क्यों होता है, क्यों होता है सर बताओ, क्यों होता है बॉन्ड यील्ड का इन्वर्जन क्यों होता है, क्यों होता? देखो देखो बता रहा हूँ, देखो मानो मानो कि किसी वजह से स्टॉक मार्केट में ये खबर फैल गई, स्टॉक मार्केट में हर्षद मेहता ने खबर फैला दी कि भैया स्टॉक मार्केट जो है वो गिरने वाला है, और जो कि आपको पता है कि स्टॉक मार्केट गिरने वाला है तो स्टॉक मार्केट बड़ा वोलाटाइल है, क्या है वोलाटाइल है, तो स्टॉक मार्केट गिरने वाला है तो लोगों ने कहा यार स्टॉक मार्केट निकलने वाला है तो इसमें से पैसा निकालो, तो इन्होंने अपना सारा जो मार्केट में पैसा लगाया था पैसा सबने निकाल लिया, पैसा इनके पास आ गया। अब ये पैसा लेके घर पे थोड़े ना बैठे रहेंगे, तो पता चला मोदी जी किसी ईडी को भिजवा दें तो घर पे लेके बैठेंगे ना तो ये ढूंढेंगे, अब ये यहाँ से निकाल के किसी सेफ जगह पे इन्वेस्ट कर दें, तो उन्हें कहा ओहो ठीक है तो यहाँ पर वोलाटिलिटी चल रही है तो यहाँ पर तो बवाल है, तब एक काम करते हैं जो गवर्नमेंट बॉन्ड होते हैं जो लॉन्ग टर्म वाले बॉन्ड हैं, अब गवर्नमेंट तो भागेगी नहीं, बड़ा चकड़ है साला ये, कहता है गवर्नमेंट तो भागेगी नहीं चलो इनके लॉन्ग टर्म वाले में हम लोग इन्वेस्ट कर देते हैं। तो एक ने आके लॉन्ग टर्म वाले में इन्वेस्ट किया और दूसरे ने कहा रिप्पा ये लॉन्ग टर्म में कर रहा है, हम भी निकालेंगे पैसा, हम भी जाके वहीं डालेंगे। दूसरा वाला भी लॉन्ग टर्म में आ गया, तीसरा वाला भी लॉन्ग टर्म में आ गया, चौथा वाले में भरभरा गया एकदम। अब जब सारे लोग आने लगे तो लॉन्ग टर्म बॉन्ड वाले की क्या हो जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी तो क्या होगी यील्ड कम हो जाएगी, है समझ रहे हो? तो लॉन्ग टर्म बॉन्ड वाले की यील्ड कैसे बढ़ रही है, कम हो रही है, इस तरीके से कम हो रही है। और जब ऐसा होने लगे, जब लॉन्ग टर्म वाले बॉन्ड की यील्ड कम होने लगे तो समझ लेना बबुआ कि ये वाला जो पहला टेढ़ा टी था उसका रिसेशन वाला फेज आने वाला है, समझ रहे हो? तो इन्वर्जन बॉन्ड यील्ड क्या है कि लॉन्ग टर्म बॉन्ड की यील्ड जो है वो कम हो जाए और शॉर्ट टर्म बॉन्ड की यील्ड हाई हो जाए, तो ये उल्टा सिचुएशन होती है। इज दैट क्लियर, बात इस चीज को समझने लगेगा, तो उसको बोलते हैं बॉन्ड यील्ड इन्वर्जन कर्व। उसके बाद क्या है, कुछ नहीं है। उसके बाद है यील्ड कर्व कंट्रोल, यील्ड कर्व कंट्रोल कुछ नहीं है, बस इसको इस तरीके से समझने की कोशिश करो कि जब ऐसी सिचुएशन आ जाए लॉन्ग टर्म बॉन्ड की जो यील्ड है वो कम हो जाए और शॉर्ट टर्म बॉन्ड की यील्ड बढ़ जाए तो अब होगा क्या, इस सिचुएशन से रिसेशन आ सकती है ना, क्योंकि यूएस इकोनॉमी में 1960s की अगर हम एयर को छोड़ दें तो जब बॉन्ड यील्ड इन्वर्जन हुआ है तब तक वहाँ पर रिसेशन आया है, तो अब यूएस में आ सकता है तो हर जगह आ सकता है, तो इस समय रिसेशन आ सकता है। तो रिसेशन से बचने के लिए जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं या जो वहाँ की गवर्नमेंट होती है वो डिफरेंट तरह की स्टेप ले रही होती है। अब स्टेप लेने के लिए मतलब क्या करती है कि वो इस तरीके की काम करती है कि जिसकी वजह से शॉर्ट टर्म बॉन्ड जो होते हैं उनकी यील्डिंग बढ़ जाए, मतलब कि उनकी यील्ड कम हो, क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म की यील्ड कम है इसका मतलब शॉर्ट टर्म की यील्ड ज़्यादा है, और अगर शॉर्ट टर्म की यील्ड को हमें कम करना है तो लॉन्ग टर्म की यील्ड को बढ़ाना पड़ेगा। तो शॉर्ट टर्म की यील्ड को कम करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म के बॉन्ड की डिमांड को बढ़ाना पड़ेगा। तो शॉर्ट टर्म के बॉन्ड की जब डिमांड बढ़ जाएगी तो उसकी यील्ड कम हो जाएगी, ठीक है? तो जब इस तरह के स्टेप लिए जाते हैं ताकि इन बॉन्ड यील्ड इन्वर्जन को फिर से इन्वर्ट कर दिया जाए तो उस तरीके को क्या बोलते हैं, यील्ड कर्व कंट्रोल बोला जाता है। ध्यान रखना यील्ड कर्व कंट्रोल को क्वांटिटेटिव ईजिंग से मत लीजिएगा, ध्यान से यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है क्वांटिटेटिव ईजिंग, ध्यान रखिएगा। क्वांटिटेटिव ईजिंग जो होती है वो शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट को टारगेट करती है, इंटरेस्ट रेट को टारगेट करती है, किसको टारगेट करती है, इंटरेस्ट रेट को। और लेकिन जो यील्ड कर्व कंट्रोल है, यील्ड कर्व कंट्रोल है, ये किसको काम करता है, बॉन्ड यील्ड को कंट्रोल कर रहा है। तो यील्ड कंट्रोल कर्व जो होते हैं ये बॉन्ड यील्ड को कंट्रोल करने के लिए होते हैं, और क्वांटिटेटिव ईजिंग जो होती है वो इंटरेस्ट रेट को बैलेंस करने के लिए यूज की जाती है। और क्वांटिटेटिव ईजिंग का यूज कब किया था, सब प्राइम 2008 वाली जब आई थी रिसेशन, या 2008 वाली छोड़ो, 2008 वाली छोड़ो, जब 2019 या 20 में क्या आया था कोरोना, तो कोरोना में क्या हो गया था, इकोनॉमी गई थी गिर,
इकोनॉमी गिर गई थी ना, क्यों गिर गई थी? क्योंकि लोगों के पास रोजगार ही नहीं खुला था, तो रोजगार जब से खुला तो लोगों का पैसा ही नहीं था, तो लोगों में पैसा स्टिमुलस करने के लिए क्वांटिटेटिव ईजी की गई थी, इंटरेस्ट रेट को डाउन किया गया था ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उधार ले सकें। तो क्वांटिटेटिव ईजिंग इज सोलली फॉर इंटरेस्ट रेट में मैनिपुलेशन करने के लिए, और जो आपका बॉन्ड यील्ड कंट्रोल कर होता है वो किसके लिए, किसके लिए, यील्ड को मैनेज करने के लिए किया जाता है ना। एकदम गपड़ उपड़ मत कर देना, पता है बॉन्ड यील्ड कर को इंटरेस्ट में मिला दिया, उसको इसमें मिला दिया है। ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, ये पढ़ लेना, ग्लोबल स्टैगफ्लेशन, ग्लोबल स्टैगफ्लेशन स्लो डाउन इन ग्रोथ इंक्रीज इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब जो स्टैगफ्लेशन होती है जब ग्लोबल लेवल पर हो जाए तो ग्लोबल स्टैगफ्लेशन है, इसमें क्या बताएं, कुछ ज़्यादा नहीं है। उसके बाद है प्रोविजन रिलेटेड डिज़ाइन, प्रोविजन रिलेटेड डिज़ाइन ऑफ रूपी नोट्स क्वाइन। अब नोट जो है वो RBI छापती है, क्वाइन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट छापती है, कि भाई देखिए सब पता है तुमको। अब सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन सी मेन डिपार्टमेंट है जिसको छापता है, पता कर लिए जो भी हो, है हाँ कोई सर होगा डिपार्टमेंट, वही करता है डिपार्टमेंट, ठीक है, ठीक है भाई इतना ध्यान में रखना। इसके बाद, इसके बाद क्या है, हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन इंडियन स्टेट्स। मैं कितना, कितनी बुक दोगे, कुछ नहीं पढ़ने, एकदम बकवास है, बकवास को कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत है। हाँ, लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर, ये अच्छा है। देखो सपोज है, मान लो मेरे पास आ गया 50 करोड़ रुपया, अमीर आदमी है ना, 50 करोड़ रुपया आ गया और हमने उसको ब्लैक, मतलब किसी बाहर की दूसरी कंट्री में किसी दूसरे पर्सन को करना है ट्रांसफ़र, है तो दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र करना है, तो अब होगा क्या कि यार ये तो प्रॉब्लम हो सकती है, तो होगा क्या कि जब कभी भी अमाउंट 50 करोड़ या 50 करोड़ से ज़्यादा का होगा तब आपको एक अल्फा न्यूमेरिक कोड लेना पड़ेगा, अल्फा न्यूमेरिक कोड लेना पड़ेगा, और वो अल्फा न्यूमेरिक कोड जो होगा वो 20 अल्फाबेट से मिलकर बना होगा। उसमें क्या होगा कि अगर आप इस तरीके के ट्रांजैक्शन करते हो, बड़े बड़े हवा हवा भर के ट्रांजैक्शन करते हो, तो आपकी आइडेंटिटी को एक यूनिक नंबर दे दिया जाएगा। तब खाली क्या होगा, आप यहाँ से पैसा ट्रांसफ़र करोगे, जब इसके पास पहुँचेगा तो आपका अल्फा न्यूमेरिक कोड उसको पास पहुँच जाएगा, तो अब वो देख के पता है हाँ बबुआ पैसा भेजी से हमारा है, तो इससे पता है। तो लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर क्या है, बस ये है कि आपकी एक ऐसी आइडेंटिटी को नोटिफाई कर रहा है जो कि अल्फा न्यूमेरिक कोड से आपकी डिजिग्नेटेड है। इसमें 20 डिजिट का एक अल्फा न्यूमेरिक कोड होगा जो आपको दिया जाएगा अगर आप लंबे अमाउंट का ट्रांजैक्शन अब्रॉड करते हैं। और जो लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर है, ध्यान रखना ये ग्लोबली एक्सेप्टेबल कॉन्सेप्ट है, ग्लोबली एक्सेप्टेड कॉन्सेप्ट है, फेंका फेंका नहीं है, ग्लोबली इसको एक्सेप्ट किया जाता है, ठीक है। तो लीगल आइडेंटिफायर न्यूज में क्या है कि RBI हैज एक्सटेंडेड द गाइडलाइन और LEI टू लार्ज बोरोवर ऑफ NBFC। इसने जो इसका जो लिमिट है उसको NBFC के लार्ज बोरोवर और प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर भी लागू कर दिया है। इज दैट क्लियर, ये ग्लोबली एक्सेप्टेड है, अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है, 20 नंबर का होता है। बस बहुत हो गया, जान लो, खुश रहो, आगे बढ़ो, बहुत हो गया, बस ओके, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वन।